सिचुएशन जो मर्जी हो गुस्सा आ जाता है, मैनेज करना सीखना है। कुछ बुजुर्ग ऐसे होंगे जिन्होंने मैनेज करना सीख लिया, जिन्होंने ऑलरेडी सीख लिया, उन्होंने को बैठ के कुछ गल्ला बेचारिया करिए। आखो भाई बड़ जा रहे से मर्द कर लै ला मन हस सिख उन्होंने को। कुछ बुजुर्ग ऐसे ने जिन्होंने पैसा कमाया, पैसे की बच्चों को प्रॉपर्टी बना के दिती, नाल उन्होंने सिखी भी दी। आखो भाई ऐसे बुजुर्ग को पूछिए, बापू जी अज के इस कलयुग के जमाने के अंदर तुसी कैनेडा अमेरिका वर्गे देशों की चकाचौंध के विच रह के अपनी बेटी के अंदर इतनी भावना भर दिती कि तुहाडी बेटी एक दस्तार सजा के पैलेट चलाउण लग पई है, तुसी अपनी बेटी नूं एक कल्चर किवें दिता? बण जा रहे से बण कर जिसने अज की चकाचौंध दे विच अज दे ग्लैमर दे युग विच, और वह भी जिन्हों दुनिया कहती है वैसटर्न के काले परछावे उन्होंने देशों को शुरू होंगे ने, उस देश के जंपल लड़की जे उन्होंने दस्तार सजा के पैलेट पेश किया है, असं उस तो पूछ सकते हैं, उसका परसनल एक्सपीरियंस है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। आखो आए दस दिन कदी कदाई साढ़े भी बच्चे यो जी संगत मिली सी, असी उस वेले अपने बच्चे इंज कहा जो सक्सैस है ना उस तो ही एक्सपीरियंस मिलते हैं। आखो आए जोड़ा फेल है ना उदे तो एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता, जिदी खेती उजड़ गई है वो फार्मिंग दे कितने एक्सपीरियंस दसेगा? फार्मिंग दे एक्सपीरियंस उही दसेगा जिन्हों फार्मिंग करद्या करद्या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पेश कर दिता है एक सक्सैस किसान है, उन्हें पूछेगा। इस संसार अंदर कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इन्ह गुणा की वस्तु को संभाल के रख्या है। आखो भाई संभाल के रख्या है, वंस कर उन्होंने। कुछ ऐसे ने जिन्होंने गुरु दियां गल्लां नूं याद रख्या है। आखो भाई जदों पूछया गुरु रामदास साहब जी की गल की तो उन्होंने गुरु रामदास साहब जी दियां गल्लां सुनाईया, जदों गुरु तेग बहादुर साहब जी की गल की उन्होंने गुरु तेग बहादुर साहब जी दियां गल्लां सुनाईया, उन्होंने मैमरी पावर विच रखिया, उन्होंने बढ़त कर। गुरु नाल प्यार है तो गुरु की बात तेन कोई दसेगा जिन्हें गुरु की बात को अपने मैमरी पावर के वेयर हाउस में रखिया। बण जा रहा से बणस कर, फिर की होएगा जो तू पुछेगा तेरे अंदर भी जो याद आ गया वो कलैक्शन होएगी। आखो आए कलैक्शन होएगी। एक दो पंक्तियां आप जी विचार दिया चाहवागा, एक है भगत फरीद जी की पंक्ति, फरीदा बुरे का भला कर गुस्सा माना हंडाए देही रोग न लगे पल्ला सब कुछ पाए। ठेठ पंजाबी बिच है, बड़े ईजी तो सिंपल वर्ड्स वरते गए ने, सबनों समझ आ गई है कि ऐ मना गुस्सा ना हंडाया कर, छेती तो छेती नॉर्मल हो जाया कर, अपने मन अंदर शांति विच रहण दी, अपने घर के माहौल नूं शांति वाला बना के रखण दी सोच रख्या कर, तेरी जिंदगी नूं ब्लड प्रैशर वर्गे रोग नहीं लगणगे। आखो भाई एक पंक्ति हो रहा है, उन्हां पास दुआस ना पिटी है जिन अंतर क्रोध चटा, जिहड़ा शॉर्ट टेंपर है छोटी जी गल ते अग बबूला हो जाता है, छोटी जी गल नहीं सहार सकता, उहदे बहुता नेड़े ना जाई तैनू कुछ नहीं मिलेगा। आखो भाई अंदरों खाली है, उन्हां पास दुआस ना पिटी है जिन अंतर क्रोध चटाल, जे कुछ सीखना है वह बजुर्ग जेड़े अपनी जिंदगी का तजर्बा हंडाउंदिया, पिता समान बुजुर्ग बैठे ने, मेरिया मावं बैठिया ने, कुछ बिरले बुजुर्ग ते बिरलियां मावं ने जेड़े जिंदगी हंडाउंदिया हंडाउंदिया इस गल नूं समझ जांदे ने कि हुण जे मैं बोलांगा मैं बोलांगी तो मेरे बच्चे घर का माहौल खराब करनगे, मैं जितना सिखाउणा सी सिखा लिया हुण ते घर का माहौल चुप रह के चल सकदा है, वो सहज विच सब कुछ देख के घर के माहौल नूं शांत करन वास्ते रख रहे ने, ऐसे बुजुर्ग दे कोल जा के गल्लां करके देखनी है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
पर जिहड़ा हले भी बुजुर्ग अवस्था में पहुँच के घर विचों कल्चर भी बर्बाद करी बैठा है, सिखी भी बर्बाद करी बैठा है, गल छेड़ के वेखो अग बबूला हो रहा है, उहदे नेड़े ना जाया कुछ नहीं मिलेगा। अगवाई आ पंक्ति उन आस दुआस में पिटी है जिन अंतर क्रोध चला। हुण आ दो पंक्तियां दी पहला तो कलैक्शन करनी है, याद रखनिया ने, हुण इन्हां नूं अरेंज करना है। अरेंज की करना है, देखना है कदों कि पंक्ति ने कम देना। अखवाई आप जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, जिम्मेवारियां निभा स्ट्रैस रहेगा, स्ट्रैस के कारण गुस्सा आ जाता है। जिस वेले गुस्सा आ जाता है उस वेले इस पंक्ति वरतना है। अखवाई फरीदा बुरे का भला कर, जिसने उस वेले वरत लिया उन्हें अपनी लाइफ में अरेंज कर लिया है, उन्हें अपनी लाइफ में बैलेंस बना लिया है। हुण की होया उन्हें रिसर्च की है मेरे घर में केड़ियां केड़ियां गल्लां ते गुस्सा होता है, उन्हें पता लग जाता है। जो मैं अपने बच्चों अमृत वेले उठण की गल करा घर का माहौल खराब हो जाता है, जो मैं अपने बच्चों बाणी की गल करा घर का माहौल खराब हो जाता है, जो मैं बच्चों ज़्यादा कंप्यूटर गेम खेलन तो रोका माहौल खराब हो जाता है। हुण उसने अपने अंदरों थॉट नूं अरेंज किया है, अरेंज करन तो बाद हुण उह सीक्वेंसी वरतदा है की वरतदा है। हुण मैं वो हल लभां जिहड़े हल दे नाल वह परिस्थिति पैदा करा जिहदे नाल मेरे बच्चों के अंदर एक चाओ पैदा करे। वह की देखदा है कि मेरे रिश्तेदारां विच्चों मेरे समाज के विच्चों एक फलाना परिवार है जिहड़े बच्चों नाल बैठ के नितनेम करते ने, इन्हां दे उस परिवार को एक दिन अपने घर सदा देवां। उन्हां नूं कहिंदा है तुसीं डिनर ते आओ, आउंदे ने इसे समाज में उहदे बच्चे रह रहे हैं, इसे समाज में साडे बच्चे रह रहे हैं। हुण की होया शाम होई है उहदे बच्चे कह रहे हैं पापा पापा रारा साहब का पाठ नहीं करना। साडा बच्चा टीवी देख रहा है, वह हाथ नहीं सी रिहा की देखता है, ये अंकल का बच्चा पाठ करने की गल कर रहा। उन्होंने सानू कहा भाई साहब जी तुसीं सानू डिनर ते बुलाया है, असी खाना बाद खावांगे, असी रहरा साहब जी का पाठ करते हाँ, तुसी नाल बैठना है। सानू सिक्वेंसी फिट आ गई, हुण बैठने वास्ते असी भी कह दिता अपनी बेटी नू अपने बेटे नू बेटा तुसी भी बैठो। हुण होया की है उहदे बच्चे पाठ कर रहे ने, साडे बच्चे घुग्गू बन के बैठे जी आखो आ जाओ, साडे बच्चों नू लग्या असी पिछे हाँ, अंकल दे बच्चे ते सारा रहरा साहब का पाठ याद करी बैठे। हुण नाल अरदास भी करनी है, हे सतगुरु सच्चे पातशाह असी इस परिवार को इसलिए बुलाया है ताकि इन्हां दे परिवार का रंग साडे बच्चों ते चढ़ जाए, यह ना होवे साडे बच्चों का रंग इन्हां ते चढ़ के भी छड़ जाण। मैं किसी नूं तोड़न वास्ते नहीं जोड़न वास्ते बुलाया है, जे वह अरदास गुरु ने सुन ली ते तुहाडे बच्चे अंदर चाओ जागेगा, जदों चले जाणगे तुहाडे बच्चे कहणगे मम्मी पापा सानू भी रसदरसा दा पाठ सुनाया करो, अंकल आए सन अंकल दे बच्चों ने पाठ किया सी बड़ा आनंद आया सी, वेरी इंटरस्टिंग। पहला अरेंज किया फिर सिक्वेंसी की। कदी कदाई तुसी देखते जे इत्थे छोटे छोटे बच्चे सोहेला साहब का पाठ करते हैं, जिन्हां दे बच्चे पाठ करते हैं ना उन्हां दे मापिआं नूं मेरा सीस झुकदा है। एवें नहीं बच्चा तुर सकता हुंदा, मापिआं दी मेहनत हुंदी है, मापिआं दी भावना हुंदी है। बंदा सोचता है आ भी तो किसी के बच्चे ने रहरा सोदर साहब का सोहेला साहब का पाठ कर रहे हैं, मेरा बच्चा बाहर खेडता पिया है, कोई ना कोई तरीका अपनावा। कहता बेटा तू मेरे नाल बैठ, अज देखियो कितना सोहना लगता है, वो बच्चा साढ़े नाल बैठा है, साडा बच्चा देख रहा उसे ना साहब का पाठ कर रहे ने, साडा बच्चा देख दे रहा है पर घुग्गू बनिया बैठा है क्योंकि उन पाठ नहीं आता। कमाए जे उसने घर जाके कह दिता बाबा जो बच्चे पाठ करते वेरी इंटरस्टिंग बड़ा टेस्ट आया,
बड़ा आनंद आया। समझ लो साड़ी अरदास फल गई है। फिर तुसी बच्चे नूं कहो कि बेटा सवेला साहब का पाठ तैनूं सिखावां, वो चेती सिख जाएगा क्योंकि वह चाव लैके गया है। मैं भी कल स्टेज पर बैठा, मैं भी सवेला साहब का पाठ सुनावां। कभी किसी ने कीर्तन किया? बच्चा कहता है कीर्तन बड़ा कमाल का सी। इहदा मतलब तुहाडी अरदास फल गई है। जे कमाल का कह रहा है तो वह सीख सकता है अपने वाहे, क्योंकि बच्चे के अंदर आई कैन डू एवरीथिंग की भावना बैठी होती है। जिंदगी विच गुरु दीयां सिक्ख्यावां नूं कलैक्शन करनी पवेगी मैमरी पावर विच। अपनी लाइफ दीयां ते परिवार दीयां सिचुएशन सरकमस्टांसिस परिस्थितियां नूं अरेंज करना पवेगा, उन्हां नूं कोई सीक्वेंसी देनी पवेगी। पंक्ति है ना को बैरी ना बेगाना सगल संग हम कौ बनाई। ये शब्द बहुत बारी सुनिया है, बहुत बारी पढ़िया है। साढ़े चो बहुत सारे दे मेमरी पावर विच ये शब्द बैठा होएगा। उन्होंने वेयर हाउस के कलैक्शन हो चुकी है। उन्होंने पढ़िया बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई। ये गुरु का अपना एक्सपीरियंस है कि जो मैंने संगत मिली मेरे अंदर जैलस ते साड़ा खत्म हो गया। वाहिगुरु हम बंदा सोचता है गुरु तो कहते हैं संगत में आके नफरत मिट जाती है, मेरे घर में अग लगी हुई आख वाहिगुरु, एक का मूँह इधर एक का मूँह इधर। हुण की करना है? पहला तो कलैक्शन की है। मेरे घर में भी जरूर होना चाहिए, जिन्हों की अणबण है उन्हों का प्यार होना चाहिए। हुण की किया जाए? वो अपने अंदर घर में रिसर्च करता है केड़िया केड़िया गल्लां ने जिहड़ियां गल्लां करके प्यार बन सकता है। कुछ गल्लां कॉमन होंदियां ने जिहड़ियां वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। रोटी वो भी बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं। डाइनिंग टेबल है, इकट्ठे नहीं बैठते। आप हुण की सोचिया? किसी नूं इनवाइट करिए। इनवाइट किया है, जो इनवाइट किया है सद्या उस अंकल नूं है, उस बजुर्ग नूं है जिहड़ा बड़ा सियाणा है, जिहदे ते साडे सारे परिवार ते बड़ा प्रभाव है। उहनूं बुलाया है, वह जद आया अज असीं खाने ते सद्या है। वह बजुर्ग ने आउंदे ही किया है बेटा आओ सारे बैठो। उन्हें बिठा लिया है, कुछ गल्लां कीतियां ने। हुण घर के सारे मैंबर घर की बजुर्ग माँ या बजुर्ग नूं कहिंदे ने पापा जी दादा जी दादी जी वो अंकल आए सी, बड़ियां कमाल दियां गल्लां दसियां। बेटा जिहड़ियां गल्लां दसियां कोई खाने च पई आखो आए, कोई कलैक्शन की? बेटा उन्होंने आपस में मिल बैठ के रहण दे गुण दसे सन, उन्होंने एकता के गुण दसे सन, उन्होंने प्यार के गुण दसे सन। बेटा हुण मैं तुहानूं एक क्वेश्चन पूछा, अपने घर में आपसी प्यार किवें हो सकता है, मन मुटाव किवें मिट सकता है? हुण इहने अरेंज किया, सिक्वेंसी दिती, जे गुरु ने अरदास सुन ली तो मन मुटाव मिट सकते ने, दुनिया से मिटते ने। आखो वाहिगुरु गुरबाणी दीयां सिक्ख्यावां दी कलैक्शन मैमरी पावर विच करनी पवेगी। अपने लाइफ स्टाइल ते परिवार के लाइफ स्टाइल विच कुछ अरेंजमेंट करनी पवेगी। अरेंजमेंट कर लग्या कुछ चीज़ां हटाउणियां पैंदियां ने, कुछ चीज़ां नवीं लियाउणियां पैंदियां ने। जेडे बूटे सुक चुके ने माली नूं पुट के बाहर सुटने पैंदे जे, नवे बूटे लियाउणे पैंदे जे। एवें ना अरेंजमेंट होवे, ना सिक्वेंसी होवे, ना कलैक्शन होवे। जे कलैक्शन अरेंजमेंट ना की गई सुके हुए बूटे बाहर ना कटे हुए तो बाग भी जंगल बन जाएगा और बन रहा है। गुरु ने इस संसार को एक बगीचा कहा है। हर सिख का अपना परिवार उसका बगीचा है। आखो वाहिगुरु साडा परिवार साडा बगीचा है। दुनिया के लख सुगंधियां होण जे साडे घर का बगीचा उजड़ गया तो मैं बेनती करा वो सुगंधियां चंगियां नहीं लगदियां। जे अपनी बगीची सुक जाए दूजे दियां बगीचियां फिर अंदरों इरीटेशन पैदा कर दियां ने। गुरु कृपा कर सिख ने अपने घर की बगीची नूं खेड़े भरे माहौल बनाउणा है। अपनी जिंदगी दे जिहड़ी बगीचे नूं इहने हरिया भरिया रखना है, उहदे लई बाणी दी विचार घरां च शुरू करो। कोशिश करो हफ्ते बाद एक दिन सारा परिवार बैठ के स्टीक लैके जितनी भी सोची है शब्द की विचार करो, कुछ ना कुछ नवी कलैक्शन होएगी। सीखना है, अनलर्न होएगा, रीलर्न होएगा, लर्न होएगा।
जो सिख्या है उदे विचों बहुत कुछ पता लगेगा गलत सिख्या है नवा गुरु तो आ सिख्या है इसे क्या अनपढ़िया अनपढ़िया परमगत पावे ये अर्थ असं इंज करते रहे हैं भावें कोई पढ़िया हो भावें कोई अनपढ़िया हो हर एक परमगत मिल जाती है पर इस मॉडर्न स्टाइल देखना तुम बहुत कुछ जो सीख्या है समाज अंदरों असी वो गलत सीख लिया जिन्हें सारा कुछ डिस्टर्ब कर दिता उन्होंने अनपढ़िया करना पवेगा अनलर्न करना पवेगा रीलर्न करना पवेगा नवा सिख सीख के इसलिए सतगुर मेरा नीत नवा गुरु का ज्ञान सदा नवा है सदा सिख्या नवी तो नवी अंदर इंस्टॉल होएगी वो जो सिख्या इंस्टॉल होएगी सानू अगों कमांड करेगी गुरु कृपा कर सतगुरु की बाणी तो सीख के हर सिख अपने घर का माहौल एक प्यार भरे बगीचे वाला बना सके अपने जीवन को शुकराने वाली सुगति का बगीचा बना सके वाहिगुरु के नाम सिमरन उहदे प्यार उहदी याद विच अपने घर विच अपने ते गुरु के सुपने साकार कर सके पुल चुक दी खिमा मान सम्मान लई हार्दिक धन्नवाद फतेह दी सांझ करके असीसां दे के निवाजना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।